हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस हाइलाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला 41वां मुकाबला आईपीएल 2020 का। चलिए टॉस पे चलते हैं और टॉस देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है टॉस आज के मैच में। फिलहाल दोनों कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के धोनी और मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा आ चुके हैं, और टॉस जो है यहाँ पर जो जीत लिया है वो है आपको देखते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की ओर से आपको क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे, रोहित शर्मा रहेंगे इस टीम में, सूर्य कुमार यादव रहेंगे और गेंदबाजी करेंगे आपको जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, सुपर ओवर का ये हाईलाइट है दोस्तों। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से, तो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आपको MS धोनी, शेन वॉटसन और फॉफ डुप्लेसिस बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी जो है आपको इमरान ताहिर करने वाला है। तो चलिए मुकाबले को शुरू करते हैं और पहले गेंदबाजी आई है चेन्नई सुपर किंग्स की। अंपायर दोनों यहां पर आते हुए ग्राउंड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने दोस्तों। और क्या लगता है आपको, आज का ये मैच जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बाजी मार ले जाएगी या फिर मुंबई इंडियंस की टीम जीत जाएगी? फिलहाल फील्डिंग टीम आती हुई ग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ सकता होगा स्क्रीन के ऊपर। दोनों के दोनों ओपनर्स आते हुए फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विंटन डिकॉक और उनके साथ ही बल्लेबाज काफ़ी धीमे धीमे कदम से, और पहले गेंदबाजी करेंगे इमरान ताहिर। एकमात्र ओवर सुपर ओवर में ताहिर को बुलाया गया है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत डिसीज़न लिया गया है यहाँ पे MS धोनी के द्वारा इमरान ताहिर से, वो भी सुपर ओवर कराने का आखिरी ओवर। और स्ट्राइक करेंगे क्विंटन डिकॉक, जिनकी टेक्निक जो है बड़ी ही लाजवाब है, 83 की है और टाइमिंग जो है 83 का ही है। एग्रेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है, 80 के करीब का है। और विकेट कीपर बल्लेबाज यहाँ पे बल्लेबाजी पहली गेंद का सामना करेंगे। मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीता है, पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चलिए तो पहली गेंद होने के लिए तैयार है, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन की जा रही है और देखते हैं क्या फील्ड में बदलाव लाते हैं ये। और जी हाँ, तो यहाँ पर तैयार हैं पहली गेंद आने के लिए, तैयार बल्लेबाज तैयार हैं, गेंदबाज तैयार है पहली गेंद करने के लिए। राउंड द विकेट आएंगे बल्लेबाज, ये रहे, ओ माय गॉड, पहली ही गेंद पैरों पर थी, अंदर की तरफ आ रही थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया, गेंद जाती उसको अलग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। वाह, रिप्ले में आइए देखते हैं कैसा शॉट लगाया बल्लेबाज ने, ये देखिए, अरे 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 वाह वाह, गजब का शॉट लगाया यहाँ पर क्विंटन डिकॉक ने, कोई गलती नहीं करी। देखा यहाँ पर इनके आँख में थी और इन्होंने कोई गलती नहीं करी, इस गेंद को सीधा उठा कर खेल गया छक्के के लिए। अब यहाँ पर मैंने बोला था वो भी आपको स्पिनर से करवाना, बड़ा ख़तरनाक हो सकता है सुपर ओवर। चलिए अगली गेंद करेंगे, यहाँ पर ताहिर तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार, ओवर द विकेट आ गए हैं आप वापस से, और इस बार ऊपर की तरफ थी और इस गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। तो दूसरी गेंद, दूसरा छक्का आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, टाइमिंग देखिए क्या ज़बरदस्त थी, बल्लेबाज ने कोशिश भी नहीं करी, इस गेंद को बस छुआ भर था और गेंद जो है कवर बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई छक्के के लिए, और बहुत दूर जाके ये गेंद गिरी है, इतनी दूर इतनी दूर, ये क्या बताया जाए। अब गेंदबाजी कहाँ पे करें बेचारे, गेंदें तो अच्छे फेंक रही हैं लेकिन क्या करें, ये भी बल्लेबाज इतना अच्छा है कि हर गेंद पर जो छक्का लगा रहा है। चलिए तीसरी गेंद पर देखते हैं, ओवर द विकेट चले, अंपायर क्रॉस करा और लीजिए स्पिन गेंदबाज, अगर गेंदबाजी करेगा क्विंटन डिकॉक को वो भी आखिरी ओवर में, तो ये मुश्किल होने वाला है। और ये देखिए कह रहे हैं कि हर गेंद पे छक्का मारूंगा, और गहमा गहमी होती हुई फिलहाल। और देखिए ताहिर को, ताहिर भी कह रहे भैया छोड़ दो बढ़िया शॉट था, देखिए वो फुल टॉस बनाया इस गेंद को और इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया छक्के के लिए। फील्डर ज़रूर थे नीचे, लेकिन फील्डर एक दर्शक बने रह गए क्योंकि गेंद जो है इतनी दूर जाके गिरी। आइए अगली गेंद पर देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज एक बार फिर से करेंगे गेंदबाजी, ताहिर हैं, ओवर द विकेट चले, ये कि अरे 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 नहीं 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 नहीं, खतरनाक यहाँ पर बल्लेबाजी, आप कहीं भी गेंद डाल लीजिए, यहाँ पर लगता है क्विंटन डिकॉक 6 गेंदों पर जो है 6 छक्के मारेंगे। ये देखते हैं, इस बार वाइड यॉर्कर फेंकी थी और बल्लेबाज थे आपको क्विंटन डिकॉक, डिकॉक ने कोई गलती नहीं करी, इस गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्के के लिए। जी हाँ, तो अब 2 गेंदें बची हैं, 4 गेंदें 4 छक्के लग चुके हैं, अब क्या करेंगे ये, आइए देखते हैं। शॉर्ट पिच गेंदबाजी करनी पड़ेगी अभी तो इनको,
यही एक चारा बसता है क्योंकि हर एक गेंद फेंके इन्होंने देख ली है। चलिए अगली गेंद पर देखते हैं, ताहिर चलेंगे अपने छोर से ओवर की पांचवी गेंद लेकर। अरे 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 नहीं 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 खराब गेंदबाजी एक बार फिर से, और स्पिन गेंदबाज को ऐसे ही पीटते रह जाएंगे। क्या बढ़िया टाइमिंग है, अगर आप देखेंगे टाइमिंग को, बढ़िया टाइमिंग, सुपर्ब टाइमिंग। इस गेंद को बिल्कुल सीधा खेल दिया बल्लेबाज ने, कोई गलती नहीं करी, गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन को ऊपर से छक्के के लिए, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, तो बिल्कुल अंपायर के सामने मारा था इन्होंने। और ताहिर अब यहाँ पर आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हैं, अब ये करे भी तो करे क्या बेचारा, और यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या समझाते हैं। फील्डिंग में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, क्या छः गेंदों पर छः छक्के लगेंगे, आइए देखते हैं छः गेंदों पर छः छक्के लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अब मुझे तो लगता है कि छः गेंदों पर छः छक्के लग ही जाएंगे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ये छक्के मार रहे हैं मौके ही नहीं दे रहे हैं। चलिए आखिरी गेंद आने वाली है पहले इस ओवर की, ताहिर चले अंपायर क्रॉस करा और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है, एक टिप्पा दो टिप्पा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से चार रन के लिए बच गए यहाँ पर। अगर ये गेंद अच्छे से लगती तो गेंद जो है सीधा छक्के के लिए जाती, लेकिन इस बार चौके के लिए 35 रन चाहिए इस सुपर ओवर में, तो यहाँ से जीतना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। धोनी आएंगे और उनके साथ शेन वॉटसन, दूसरी पारी शुरू होने वाली है, 35 रन जीतने के लिए चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को ये मैच जीतने के लिए। चलिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मैच जीतेगी, मुझे नहीं लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मैच जीतने वाली है। खैर बुमराह आएंगे गेंदबाजी करेंगे, MS धोनी पहले स्ट्राइक पर रहेंगे, बुमराह यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, तो बुमराह को छः छक्के लगाना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। चलिए देखते हैं, बल्लेबाज फिलहाल तैयार हो रहे हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे। ओ व्हाट अ शॉट, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, MS धोनी ने इस गेंद को खेल दिया, गेंद जाती उसको अर्लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। रीप्ले में देखते हैं इस छक्के को, ये देखिए धीमी गति गेंद थी और धोनी ने इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया और इस गेंद को खेल दिया, बिल्कुल सेकंड टीयर पे गेंद जाके गिरती हुई छक्का। तो पहली गेंद तो छक्का लग गया है, अब अगली पांच गेंद तो पांच छक्के लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीतेगी। चलिए अगली गेंद होने वाली है, तैयार हैं बल्लेबाज, ओवर विकेट चलेंगे, अंपायर क्रॉस किया बुमराह की गेंद और इस बार चौका जाएगी। तो अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है मैच जीत तो नहीं सकती, लेकिन ड्रॉ ज़रूर करवा सकती है। इस बार मौका ज़रूर था धोनी के पास कि इस गेंद को सीधा खेलते हैं छक्के के लिए, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई गेंद और एक टिप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर, और देखते हैं क्या यहाँ पर परिवर्तन लाया जाता है, बिल्कुल मिड विकेट स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट का फील्डर जो है बिल्कुल सामने हो गया है, बल्लेबाज तैयार रहेंगे अगली गेंद का सामना करने के लिए। अंपायर क्रॉस कर बुमराह की गेंद, ओ खेलना चाहते थे बिल्कुल सीधा, लेकिन बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई और मिस कर गई ये गेंद। तो खैर अब स्कोर आपका बात करें तो स्कोर आपका जो हो चुका है वो हो गया आपको 10 रन। चौथी गेंद अंपायर क्रॉस पे बुमराह और इस गेंद को बिल्कुल सीधा मारा है, गेंद जाती है बाउंड्री के बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए, बढ़िया शॉट इस बार। इस बार धोनी ने बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट किया था इस गेंद को, ये देखिए अरे वाह क्या शॉट है धोनी, यू ब्यूटी। धोनी आज पहले की तरह फॉर्म में लग रहा है, एक और परिवर्तन किया जा रहा पोलार्ड के द्वारा। अब चलिए दो गेंदें बची हुई हैं, क्या दो गेंदों पे और दो छक्के लगेंगे, आइए टाइम बताएगा दो गेंदों पे दो छक्के लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगली गेंद और नहीं छक्का तो नहीं लगेगा, लेकिन 2 रन जरूर ले लेंगे बल्लेबाज। जो स्पिन गेंदबाज इन्होंने सुपर ओवर कराया, सबसे बड़ी गलती कर दी इन्होंने, अगर मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर बना दिया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी, मुझे लगता है कि अगर कोई और बल्ले गेंदबाजी किया होता अच्छा स्कोर में। आखिरी गेंद और ये तो ये सुपर ओवर खत्म होता हुआ दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच जो है जीत गई है दोस्तों, और 18 रन बना पाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, 35 रन जीतने के लिए चाहिए थे, और क्विंटन डिकॉक के 34 रनों के बदौलत यहाँ पर मुकाबला जो है जीत गई है। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम, मैच के बाद यहाँ पे दोनों टीमें हाथ मिलाती हुई
मैन ऑफ द मैच भी देख लेते हैं यहाँ पर। मैन ऑफ द मैच आपको क्विंटन डिकॉक को दिया रहा है बढ़िया पारी के लिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। बाय बाय।